अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अबू ज़र रिज़वी प्रोग्राम आवाम के दरमियान में आपको एक बार फिर करता है खुश आमदीद। नाज़रीन, मारूफ़ शायर फरहत अब्बास शाह को प्राइड ऑफ प्रमोमत हुकूमत की जानिब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से देने का ऐलान किया गया है, जिसकी सेलिब्रेशन के लिए नाज़रीन एक इवेंट एक प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया है, जिसमें आवाम के दरमियान की हमारी पूरी टीम भी भरपूर शिरकत कर रही है। अलमरा हाल लाहौर में अदबी बैठक में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें हम भी शिरकत कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। तो वो नाज़रीन जो वहाँ पे शिरकत नहीं कर सके किसी वजह से, तो वो हमारे इस आवाम के दरमियान चैनल पर इस इवेंट की मुकम्मल हाइलाइट्स देख सकते हैं। ये मुकम्मल प्रोग्राम तो रिकॉर्ड हमने नहीं किया, कवर नहीं किया, लेकिन इसके हाइलाइट्स हमने लिए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि शुरू से अंत तक इस इवेंट में क्या हुआ, कौन कौन मेहमान आए थे और ये किस तरह का इवेंट गया, तो आप शुरू से आखिर तक हमारी इस प्रोग्राम में जो हमने शामिल किया है प्रोग्राम के इवेंट्स की हाइलाइट्स वो देख सकते हैं, जो उनकी सेलिब्रेशन के लिए की गई थी, मुनक्किद किया गया था प्रोग्राम, उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है उसका हुकूमत ने ऐलान किया देने का। तो आइए चलते हैं हाइलाइट्स की तरफ, जिसके बाद मिलते हैं आपसे। आज की इजलास की सदारत प्रोग्राम की शामिल इतराफ पंच की सदारत के लिए मैं तरफा गुजार हूँ जनाब करामत बुखारी से तशरीफ रहा। हमारे आज के मेहमानों में खुशी हैं जनाब डॉक्टर सादत सईद साहब, जनाब अबराल आलम साहब, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी तशरीफ रहें। हमारे आज के मेहमान जनाब फरहत अब्बास शाह से दरख्वास्त है कि आप भी तशरीफ रहें। जनाब फरहत अब्बास शाह, मैं दरख्वास्त गुजार हूँ तला वसूल से कि तशरीफ लाइए और तलावत कुरान पाक। जनाब तला वसूल, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश हवाले से इंसानों की पहचान
दूसरा ग्रोह है हमारे जो पहले अंतल है। किसी के बारे में बात करेंगे तो वो सुनता है बात, क्वेश्चन भी सुनता है। और अच्छा साहब कहने लगे कि मेरे फ्रेंड तो बाद में मेहरबानी गाल दी तो मैं कफनी तू बह कट के खा लेना। शायरों में से किसी को वफाकी मुंतसिब बनाया गया, 18-18 एजेंसियां पहले उसके गोल चाल बैठने उठने का, उसके रहन सहन का, उसके दोस्तों का भी वो करती हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होती है। अब मुझे पता है कि कितना मुश्किल है, और फिर शहरों में से बात जाना शहरों में से लिखी बेवजह नहीं रंग अभी जर्द हमारा, पीछा ही नहीं छोड़ रहा दर्द हमारा।